कितनी सुंदर जगह है ये। वो तो दिख ही रहा है, लेकिन ये याद रखना हम यहाँ पर काम करने आए हैं सनी, और मैं उस आइलैंड के स्पाई को पकड़ कर रहूंगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। वो हम में से जरूर कोई एक ही है, लेकिन कौन है ये मुझे पता लगाना होगा। वो सब ठीक है, लेकिन उस्मान कहाँ है? कहीं नहीं दिख रहा है वो। हाँ, वो कितना अच्छा इंसान है, यहाँ तक वो सिर्फ तुम्हारी हेल्प करने आ रहा है। तुम्हें इसका एहसान मानना चाहिए, प्लीज उसके साथ कोई गड़बड़ मत करना, समझी? तो नहीं तो तुम्हारे चक्कर में वो बेचारा भी फंस जाएगा। शांत हो जाओ, हम पहुँच गए हैं। वेलकम ऑल ऑफ यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ। नोवे फ्योरी के साथ काम करने वाली चार कंपनीज हैं। आज बहुत सारे वर्कशॉप्स होंगे, एक्टिविटीज होंगी यहाँ पर। मेरा नाम है चंगेज और मैं यहाँ का कैंप रिप्रेजेंटेटिव हूँ। आप चाहे तो मुझे जेजे भी कह के बुला सकते हैं, आप चाहे तो रीड कर सकते हैं, यहाँ पर मेरा नाम लिखा हुआ है। आप यहाँ पर फ्रेंडली और अच्छे रिलेशनशिप बनाने के लिए आए हैं। अब जैसे जैसे मैं आपको इंस्ट्रक्शन देता जाऊँगा, आपको उन्हें फॉलो करना है, आप समझ गए ना? यकीन मानिए आपको बहुत मजा आएगा। वो तो पता चल ही जाएगा। कैंप रिप्रेजेंटेटिव जे जे। How sweet. ये पता नहीं यहाँ कैसे आ गई। पता नहीं कैसे कैसे लोग अपने साथ लेकर के आई है। सारे के सारे शैतान दिख रहे, देखो जरा इनको देखो। जी जी, मेरा एक सवाल है तुमसे। बाकी एजेंसीज के लोग तुम्हारी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं, बताओगे मुझे? मिस डेरन, देखिए आप मुझे परेशान मत कीजिए, वैसे भी मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस यहाँ पर अपना काम कर रहा हूँ, आप मुझे परेशान मत कीजिए प्लीज। आप चुपचाप वहाँ पर धूप में खड़ी हो जाइए और कॉपरेट कीजिए। मजा क्या? यस टीम्स, तो अब आप सभी लोग तैयार हो जाइए और अपनी अपनी पोजीशन बना लीजिए, क्योंकि अब आप लोग दो टीमें बंटने वाले हैं, जिनमें से एक होगी रेड टीम और दूसरी होगी ब्लैक टीम। ये कॉस्ट्यूम आपको दे दिए जाएंगे, तो क्या आप सब लोग तैयार हैं? तो फिर मुझे फॉलो कीजिए। देखा नहीं वो मेरी तरफ कैसे देख रही थी, मुझे तो डर लगने लगा था। हाँ वो है ही डेविल जैसी। देखो गर्ल्स, ये कोई मोटिवेशन कैंप नहीं है, हमारी मेजर कंपटीटर आइलैंड यहाँ आ चुकी है, हमें उसे हराने के लिए तैयार होना होगा। तो क्या हम सब इस वॉर के लिए तैयार हैं? तैयार है, तैयार है। सनम तुम भी हमारे साथ हो, अपना हाथ रखो, चलो। आर वी रेडी? यस। सब एक साथ कहेंगे। मजा आ गया, किसी को पता भी नहीं उन्होंने किससे पंगा लिया है। हम एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम करते हैं और क्रिएटिविटी का पता नहीं। हमारी दोनों टीम मैदान में पहुंच चुकी हैं, रेड टीम उस तरफ और ब्लैक टीम उस तरफ। आइलिन तुम अपनी हद में रहना, तुम समझ गई ना? तुम भी रहना। हाँ तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग थोड़ा पीछे आ जाइए। हाँ तो मैं आपको गेम के रूल्स बता दूँ। ये गेम बहुत ही सिंपल है, दोनों टीमें अपनी अपनी तरफ रस्सी खींचेगी और बीच में एक लाइन रखी हुई है, जो टीम इस लाइन को क्रॉस कर लेगी वो हार जाएगी। तो फिर 1 2 3 खींचो खींचो अपनी तरफ खींचो। हाँ लगे रहो ऐसे ही ऐसे, और खींचो सब लगाओ और खींचो ऐसे खींचते रहो। हमें जीतना है। सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, सपोर्ट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो अभी तक आया क्यों नहीं? सपोर्ट करते हैं। ब्लैक टीम, मैंने आपको क्या सिखाया था आपको याद है ना? उस्मान नहीं आया अभी तक। जोर लगाइए, खींचो और जोर से दम लगाइए, सपोर्ट बहुत जरूरी है। कोई चीटिंग नहीं करेगा, कोई चीटिंग नहीं करेगा, कोई चीटिंग नहीं करेगा। दोनों टीम ईमानदारी से खेलेंगी। ब्लैक टीम, मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? लेकिन उस्मान क्यों नहीं आया अभी तक? Thank you.
55 का मॉडल, 4000 सीसी, 150 हॉर्स पावर, नाइस कार। आप कार के शौकीन लगते हो, क्या मैं इसे पास से देख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। V8 मोटर, ऑटोमेटिक गियरबॉक्स। उन्होंने ये कॉपलेट सिर्फ एक साल बनाकर बंद कर दिए। हाँ। तुमने इसे सच में काफी अच्छा मेंटेन किया है। थैंक यू सो मच। तो क्या तुम भी यहाँ पर कैंप के लिए आए हो? जी हाँ। कौन सी एजेंसी? मुझे कोई आइडिया नहीं है। ओह, शायद तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने बुलाया होगा। मैं आना नहीं चाहता था लेकिन मना भी नहीं कर पाया। हाँ, सही कहा। शाबाश। उसे खींचो। ये गेम कब खत्म होगा और उस्मान कब आएगा यहाँ? उस्मान के बारे में मत सोचो, जस्ट बुलेट। बेटर होगा कि वो मिस्टर जान के पहुंचने से पहले पहुंच जाए और फिर मैं उसे इंट्रोड्यूस करा दूंगी उनसे। सनी, मैंने कहा ना, तुम ज्यादा उसके बारे में मत सोचो और इस पर ध्यान दो, समझी तुम? वरना हम हार जाएंगे। ओह, ये अच्छी बात है कि तुमने उन्हें बताया है ये सब। बातें मत करो, खींचो। Are you fine? Mr. John? Leila? Usman? Usman! 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 Usman, तुम आ गए। Usman! वो मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ उस्मान से। उस्मान, इसका फियांसे। मिस्टर जान, हमारे बॉस। जान। उस्मान। हनी, चलो ना हम रूम पे चलते हैं, तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी है ना। एक्सक्यूज मी। श्योर। मुझे भी अपना कुछ सामान लेना है, मैं भी जरा जल्दी आती हूँ। उस्मान, मैंने तुमसे कहा था ना, मिस्टर जान से बात क्यों की तुमने? हमने कहा था ना तुम्हें किसी से कोई बात नहीं करना। पर वो खुद आकर मुझसे बात किया, इसमें मैं क्या करूँ? देखो उस्मान, झूठ मत बोलो, वो किसी से बात नहीं करते। तुम बस मुझ पर फोकस रखो, तुम बस मेरे फियांसे हो, तुम्हें यही बात याद रखनी है और बाकी सब मैं संभाल लूंगी। ठीक है, ओके। ठीक है, हम कपल एक्टिविटीज में पार्ट लेंगे और तब तक हमें साथ देकर सबको ये यकीन हो जाएगा। हाँ, ये अच्छा रहेगा। लैला, तुम भी मेरे साथ चलो ना। नहीं उस्मान, बेटर होगा तुम दोनों साथ में रहो, यहाँ पर तुम्हारा कपल्स कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलो। ठीक है, मैं गेम्स का फॉर्म फिल कर देती हूँ और जब मैं तुम्हें कॉल करूंगी तब मुझे आके मिलना, ओके? ठीक है, पर क्या ये मेरा रूम है? यस यस, नेक्स्ट वाला रूम हमारा ही है, कुछ भी काम हो वहाँ आ जाना। उस्मान, थैंक यू सो मच, तुम बहुत काइंड हो, तुमने हमारी बहुत हेल्प की है, इतनी हेल्प के लिए शुक्रिया। यू आर जस्ट परफेक्ट। माय प्लेजर। सी यू लेटर। हाँ बोलो, क्या हुआ? माफ कीजिएगा सर, मैंने आपको डिस्टर्ब किया, लेकिन मैं आपको सॉरी कहना चाहता था अपनी एक छोटी सी गलती के लिए। किस बात के लिए सॉरी? एक्चुअली मैंने एक दिन गलती से मिस आइलिन को आपकी रिंग के बारे में बता दिया था। आई होप कि मेरी वजह से कोई आपको दिक्कत ना हुई हो, अगर हुई हो तो माफ कर दीजिएगा, क्योंकि जो कुछ भी हुआ वो अनजाने में हुआ। आई अंडरस्टैंड, नो प्रॉब्लम, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय। मुझे लगता है कि तुम्हें जकूजी वाला रूम चाहिए। अगर मिल गया तो जरूर चाहिए, जकूजी वाला रूम किसे नहीं चाहिए होता। हाँ, जकूजी जमास्ट। तो बोलो अपना। मिस्टर
मिस्टर एमरेन, मिस्टर जान, हमें एक्चुअली एक फुटबॉल प्लेयर की जरूरत है, तो क्या आप हमारे साथ आएंगे? बहुत मजा आएगा गेम खेलने। यहाँ एमरे को जकूजी वाला रूम चाहिए और तुम फुटबॉल खेलने की बातें कर रहे हो? ये तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। यहाँ बहुत गर्मी है तो मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। हमें इनके खिलाफ खेलना है, ये प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं, हम इनके खिलाफ नहीं खेल सकते। इन्हें हराना हमारे बस की बात नहीं है। क्यों एमरे? फिक्री हरिका की टीम को देखो, सोच रहे होंगे हमें हरा देंगे। उन्होंने क्या कहा अभी? जेजे, क्या उनके टीम मेंबर्स ने हमें बेचारी टीम बुलाया? क्या मैंने सही सुना? हाँ, उन लोगों ने आपको बेचारी टीम कहा, इसका मतलब वो आप लोगों को आसानी से हरा सकते हैं। सनी, चलो मेरे साथ योग सेशन चलते हैं। नहीं, वो मैं अपने फियांसे उस्मान के साथ कुकी सेशन में जा रही हूँ, वो भी यहाँ आया है ना, इसीलिए। तुम बहुत लकी हो, वो इतना स्वीट और हैंडसम है। हाँ, लेकिन मिस्टर जान मेरे जितने लकी नहीं है। वो कहाँ है उनके मिस पोलन? मिस पोलन के पास ऐसी एक्टिविटीज के लिए टाइम नहीं होता। ऑलरेडी वो इतना कुछ अचीव कर चुकी है, पैसा, रुतबा, करियर। लेकिन अगर तुम्हारे पास अपने डार्लिंग के साथ कुकीज बनाने का टाइम नहीं है तो इतनी सक्सेस का क्या फायदा? और वैसे भी ये एलर्जीज का सीजन है ना? Yes. उस्मान हमेशा मेरे साथ रहता है, हमेशा। उस्मान, उस्मान, म्यूजिकल है। ऑल द बेस्ट, चलो। उस्मान, 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 क्या तुम भी वही देख रही हो जो मैं देख रही हूँ? हाँ बिल्कुल। जब बात फुटबॉल की होती है तो सारे मर्द एक जैसा बिहेव करते हैं। ये गेम खेलने के लिए उन्हें दिमाग की भी जरूरत नहीं पड़ती। उस्मान, 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 ये क्या हो रहा है? वो देखो मिस्टर जान के कितने क्लोज हो गया है, उसे जाकर वॉर्न कर दो। मुझे लगता है वो कोई गड़बड़ करेगा। तुम क्या चाहती हो? मैं फुटबॉल फील्ड के अंदर जाके उसे ये सब कहूँ? तुम उसे बाहर बुलाओ। उस्मान, हाँ बढ़िया। बॉल पास कीजिए। तो अब हम गेम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सनीम, उसे तुम्हें कंट्रोल में रखना चाहिए। ये क्या हो रहा है? अब मैं इसका क्या करूं? ओ, बहुत बढ़िया, गोल। ओफो, अरे तुम कहाँ जा रही हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे 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 बॉल को लेते हुए, हाँ, उसी के साथ। एक, हाँ बहुत बढ़िया। ए, कौन है? ए, छोड़ो, छोड़ो इसे। क्या कर रही हो तुम? छोड़ो इसे। रुको सब, मैं गेम को स्टॉप कर रही हूँ। रुको सब। उस्मान, तुम आउट हो गए हो, तुम आउट हो गए हो। उस्मान, गेम इज ओवर। उस्मान चलो। ये क्या हो रहा है? हमें साथ में कुकी प्रिपरेशन गेम भी खेलना है। उस्मान हो गया है आउट। हमें कपल गेम्स भी खेलना है, तो चलो जल्दी यहाँ से। चलो उस्मान जल्दी। चलो अपने फुटबॉल फ्रेंड्स को बाय बाय कह दो। चलो उस्मान, कम ऑन, चलो। आइलिन, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम अंदर कैसे आ गई? हाँ पागल हो गई हूँ। तुम मेरे फोन का जवाब क्यों नहीं देते? क्या कर रहे हो तुम? आइलिन, तुम निकलो यहाँ से। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे तुमसे अभी बात करनी है। हाँ, मैं जानता हूँ तुम्हें क्या चाहिए। हाँ, इनमें मेरे भाई के कैंपेन्स के सारे फोटोग्राफ्स हैं, ठीक है? बेवकूफों जैसी हरकतें मत करो। तुम्हें लगता है कि अभी इसकी जरूरत पड़ेगी मुझे? मुझे ये सब नहीं चाहिए एमरे। तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? मुझे सिर्फ तुम्हारी जरूरत है। पर तुम तो मुझे पसंद ही नहीं करते, ऐसा क्यों एमरे? आइलिन, हम बाद में बात करते हैं, मैं नहाने जा रहा हूँ, ठीक है? ठीक है, तो मैं यहाँ रुककर क्या करूंगी? इसका लाउड लग रहा है बंदी का।
दोस्तों, हम अब अपने दिन के आखिरी गेम में पहुंच चुके हैं। हमने कुछ टेंस मोमेंट भी देखे हैं, तो इससे मुझे बहुत दुख हुआ। जैसे कि जरा संभल कर खेलना चाहिए था हमें, क्योंकि हम बच्चों की तरह हरकतें तो नहीं कर सकते हैं। हमें बैडमिंटन खेलने के लिए मिले हैं, ना कि एक दूसरे पर फेंकने के लिए। समझ में आया? आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी हरकतें करने के लिए। मिस्टर हेमरे, ये सब मैं आपकी टीम के लिए नहीं कह रहा हूँ, वो लोग तो खुद ही जानते हैं। मैं तो बाकी को बोल रहा हूँ। मिस्टर जॉन, हम आ गए। हाँ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये फाइनल रेस है, इसके लिए मैं अपनी दोस्त सनम को बुला रहा हूँ, और उनको टक्कर देंगी आइलिन, जो कि दूसरी टीम से है। उनका स्वागत करेंगे हम लोग। मुझे नहीं खेलना है, प्लीज। जाओ, ज्यादा नखरे मत दिखाओ, जाओ जाओ जाओ। हाँ, तो इनकी आंखों पर पट्टी बांधी जाए। अब हम छह लोगों को बुलाएंगे हर एक टीम के लिए। तीन अपनी टीम से और तीन विरोधी टीम से होंगे, तो कुल मिला के छह लोग होंगे। जी दोस्तों, इसमें छह लोग होंगे। आप क्यों आगे नहीं आ रहे? इस गेम में आपको टच करके पहचानना है कि सामने वाला कौन है, और जो सबसे ज्यादा लोगों को टच करके पहचानेगा वो इस गेम में जीतेगा। हाँ, तो अब सब लोग खामोश हो जाएंगे, ताकि किसी को भी पता ना चले कि कौन है सामने वाला, वरना ये चीटिंग कहलाएगी। आप हंस क्यों रहे? जरा हमें बताएंगे क्यों हंस रहे हैं, ताकि हम भी हंस सके। अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि आपको कैसे हाथ लगा करके अपने साथी को पहचानना है। अभी चलिए ना, आखिरी राउंड है, चलिए ना। जीत और हार का फैसला करेगा। आइए, ओके, तो अब हम खेल शुरू करने वाले हैं। कोई भी कोई चीटिंग नहीं करेगा, नहीं तो पॉइंट कट जाएंगे। चलो शुरू करो। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं, शुरू कीजिए। अली, बहुत बढ़िया, अली को पहचान लिया है। दिलेश, ओ सही पहचान, दिलेश। एलिफ, एलिफ कहा? हाँ हाँ, एलिफ बिल्कुल सही है। नहीं जानती, ठीक है। एमरे, एमरे कहा, बिल्कुल सही है। मिसाइल इन खेल जीत चुकी है, आपको मुबारक हो। नहीं नहीं, शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है। आपको ये जीत बहुत बहुत मुबारक हो, आप ये खेल जीतती हैं। तो अब हम फिर से मिलेंगे इसी जगह पर डिनर की पार्टी के बाद। ये ना भूलने वाली पार्टी होगी। Thank you.
मैं ठीक हूँ मिस्टर एमरे, वो मैं बस रिंग की वजह से थोड़ी परेशान हूँ। कैंप में किसी ने नहीं देखा, अच्छा हुआ कि तुमने यहाँ नहीं पहनी। मिस्टर एमरे मुझे कुछ नहीं पता कि किसने देखा और किसने नहीं, मैंने यहाँ पहनी है लेकिन मुझे बाद में निकालनी थी क्योंकि यहाँ तो सभी की नजरों में मैं एंगेज हूँ ना। लेकिन वो यहाँ क्यों आए थे? यहाँ तो कहा गया था कि कपल में आए, यहाँ तो हर कोई सोच रहा है कि मैं एंगेज हूँ, पर किसी का ध्यान ना जाए इसलिए मैंने। ठीक है, वो रिंग मुझे दे दो वरना परेशानी हो सकती है। और अगर मिस्टर जान ने पूछा तो? वो क्यों पूछेगा? पता नहीं, पर वो रिंग को लेकर परेशान होते हैं और हमेशा पूछते रहते हैं रिंग कहाँ है। हाँ मैं समझ गया, लेकिन अब ये रिंग मुझे दे दो, जब तुम उसके पास जाओगे तब ले लेना। हाँ। ओह गॉड, कितना बोझ उतर गया मेरे दिल से। चलो हम डिनर पर मिलते हैं। तुम ऑफिस में हो ना? मैं कुछ विजुअल्स भेज रही हूँ, तुम एक कैंपेन तैयार करो इन्हें लेकर। ओके, तुम्हारा वो कोई दोस्त है ना हैकर, वो अभी भी है? गुड, उससे कहो कि वेबसाइट अरेंज करे और वहाँ कैंपेन डाउनलोड करे, लेकिन लोगों को ऐसा लगे कि ये एक साल पहले का है। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि ये डेट नकली है। और मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, जैसा कहा वैसा करो और मेरे मैसेज का इंतजार करना। अब देखना मैं क्या करती हूँ, मुझे बेवकूफ समझ रखा है ना तुमने। इस प्रेशर में इतना नशा है कि मुझे नींद आ रही है, मैं अच्छे से सांस ले पा रही हूँ, आएगी ही ना। अगर तुम चाहो तो हम राउंड मारकर आ सकते हैं। मिस्टर जॉन आ रहे हैं। अरे वाह, खाना चल रहा है। सनम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन वो मुझे एलर्जी है, पोलन से एलर्जी है मुझे, थोड़ा सा अजीब महसूस कर रही हूँ। ओके मैं अभी आती हूँ। कहाँ जा रही हूँ? मुझे वो रिंग दो। मिस्टर एमरे, मिस्टर एमरे मेरी बात सुनिए, मुझे बहुत ही परेशानी हो रही है, मैं उस औरत से डर गया, मैंने बहुत विनती की, बहुत विनती की, मैं ये सब कैसे कर सकता हूँ, कितनी शान की बात है, आखिरकार मैं एक डैम रिप्रेजेंटेटिव हूँ, ये आप समझ नहीं सकते मेरे लिए कितनी दुख भरी बात है, मैं कैसे एडजस्ट करूंगा, मुझे समझाइए, मेरी हेल्प कीजिए। सही किया तुमने, मैं मदद करती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम कहाँ चली गई थी? कितनी अच्छी बात है ना मिस्टर जान, कम से कम हम यहाँ साथ में तो है, कितने दिन हो गए हम एक दूसरे से बात किए हुए, को नहीं लगता कि हम आजकल कुछ ज्यादा ही बिजी हो गए हैं अपने अपने काम को लेकर? डरन आज से क्या फर्क पड़ता है, हम हमेशा ही तो साथ रहते हैं। हाँ मेरा मतलब है कि बिजनेस के अलावा भी एक दूसरे के लिए वक्त निकालना चाहिए। तुम कहना क्या चाहती हो? अब फिर से नहीं। हाँ बोलो मेरे भाई। हमने शहर के हर कोने कोने पर बिलबोर्ड्स देखे हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। तस्वीरें जो मैंने खींची हैं। देखना तुम बहुत जल्दी फेमस हो जाओगे। हाँ ठीक है, जल्दी मिलते हैं। उस्मान, तुम मेरी मदद करोगे क्या? ऐसा बर्ताव करो जैसे हम दोनों इंग्रेज हैं, तुम बताओ ना इसे। हाँ वो सही कह रही है, तुमको उसकी मदद करनी पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, ये मेरी भी एक इच्छा है, समझे ना तुम। हाँ सही, हाँ मेरी मदद करो प्लीज। देखो तुम मुझे यहाँ पर जबरदस्ती लेकर आई हो। प्लीज मेरी बात मानो, प्लीज। हम दोनों को नौकरी से निकाल देंगे प्लीज, इसलिए प्लीज मेरे कंधे पर हाथ रखो। और मैं ये वीगन खाने का क्या करूँ? हाँ आ
सांस तक। आखिरी सांस तक कोई मीट नहीं मिलेगा मुझे। चीजें कुछ ज्यादा ही एग्जैजरेट कर रहे हो। तुम खुद को समझते क्या हो? देखो तो जरा, सब कितने खुश हैं। एग्जैजरेट कर रहा हूँ, एग्जैजरेट कर रहा हूँ। देखो जरा, सब कितने स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं। जस्मीन जी सब एक दूसरे से झगड़ते हुए दिखाई देंगे, मैं तो यहाँ से निकल जाऊंगा। तुम लोग बात करो, मैं बस अभी आया। एमजे सर कहाँ जा रहे हैं? मुझे कैसे पता होगा कि वो कहाँ गए? हर कोई स्ट्रेस है, कुछ आ रहा है समझ में, और तुम्हें लगता है सब कुछ अच्छा है और तुम कुछ फील क्यों नहीं कर सकती हो? अभी मैं कुछ अलग फील कर रही हूँ, लेकिन देखते हैं कि क्या होता है। तुम सही बोल रही हो, बिल्कुल सही। मैं खुद ही शहर ले लेता हूँ। हेलो, कैसे हो तुम लोग? मजा आ रहा है कि नहीं? मिस्टर एमरे, बहुत मजा आ रहा है। आपने ये ट्रिप बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज की है, सच में बहुत मजा आ गया। ये है उस्मान, मेरा फियांसे। हाँ, हाय उस्मान, मैं एमरे। मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करता हूँ आप दोनों हमेशा खुश रहें। थैंक यू। खाना एंजॉय कीजिए। चलो चलो यहाँ से, चलो जल्दी, चलो चलो। अब तुम अपनी सारी हदें पार कर रही हो सनम, ये क्या तरीका है? हाँ सरप्राइज। देखिए, कोई भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकूंगा। तो आप लोगों ने क्या किया, सब अच्छा चल रहा है ना? नहीं दोस्ती है ना? बहुत अच्छा। मैं हर एक टेबल पर खुद एक एक बार में जाऊंगा। ओके, तैयार है? तो आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं? सो डियर, कैसा रहा सर? हेलो, आपसे मिलकर खुशी हुई। मिस्टर जॉन। हेलो मिस्टर फैब्रिक। सनम, वो मेरे हाथ गंदे हैं ना, मैं इन्हें धोकर आती हूँ। हाँ, क्यों नहीं? जॉन, आप मेरे साथ आएंगे? सबको सरप्राइज देने आप यहाँ आ गए। हेलो, अच्छी बात है। कैसी हो? बॉन एपेटाइट। बॉन एपेटाइट। तुम यहीं बैठो, मैं बस अभी आया हूँ। सनम, क्या हो रहा है? यहाँ आए हैं, मुझे रिंग दीजिए। मुझे लगता है मैं एक दिन पागल होने वाली हूँ। एक बार वो देख ले, उसके बाद ये रिंग मुझे वापस कर देना, ठीक है? मिस्टर एमरे, मुझे बताइए ये सब क्या चल रहा है? रिंग ले लो, फिर वापस दे दो। अभी ले दो, फिर बाद में वापस दे दो। ले लो, दे दो, ले लो, दे दो। आप दोनों भाई मिलकर मुझे एक दिन पागल कर देंगे। सनम, तुम ये रिंग बस मुझे वापस कर देना, ठीक है ना? ये सब क्या हो रहा है मैं तुम्हें बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। नहीं, आप हमसे बताइए, वरना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। सनम, मिस्टर एमरे, मैं नहीं जाऊंगी। आइलैंड को नहीं दिखना चाहिए बस। आइलैंड मेरी एक्स फियांसे है। जब मेरा ब्रेकअप हुआ था, तब मैंने ये रिंग उससे वापस ले ली थी। उसने देख ली तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए मुझे रिंग दे दी, ताकि वो मेरा जीना हराम कर सके। आपने मुझे इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन में क्यों डाला आखिर? सनम, ये रिंग तुम बस अपने पास रखो, और ये रिंग आइलैंड को मत दिखाना, ठीक है? मैं तुम्हें सब कुछ बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। मुझे आप पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। मैं आप आ गई हूँ हाथ धोकर, अब हम हाथ मिला सकते हैं। अरे कोई बात नहीं है। आप लोग बैठ के बातें करिए, मैं जरा एलिन से मिलकर आता हूँ। ओके, इसकी जरूरत नहीं है, मैं यही हूँ। आइए एलिन, प्लीज बैठिए। थैंक यू। बहुत इम्पोर्टेंट कॉल है, मैं भी आता हूँ। कितनी अच्छी बात है ना, हम पहले जैसा फिर से इकट्ठे हुए हैं। लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानती, मैं आइलिन हूँ। सनम, मैं लेफ्टी हूँ।
नाइस टू मीट यू। तुमने मिस्टर जान के बारे में सुना? उन्होंने कांग्रेट्स बोला? जान से मैं पहले कांग्रेचुलेट नहीं कर पाई। हर जगह तुम्हारी ही खबरें हैं आजकल। जान देवित ने विमेंस एसोसिएशन के लिए कैंपेन ऑर्गेनाइज। जान देवित कैंपेन को इंटरनेशनल कंपनीज ने बहुत सपोर्ट किया। जान देवित के कैंपेन को अवार्ड मिल सकता है। किस तरह का कैंपेन है तुम हमें बता दे? क्यों नहीं? क्यों तुम्हारे जासूसों ने नहीं बताया? अभी तक तो नहीं। गुड, फिर तुम्हें जल्दी पता चलेगा। शहर के हर कोने में तुम्हें बिलबोर्ड्स दिखाई देंगे, तब देख लेना। मुझे तो जानना है तुम्हारा जासूस कौन है। मेरा जासूस तुम्हारी आंखों के बिल्कुल सामने है, लेकिन तुम्हें पता नहीं चलेगा। तुम्हारा तो ध्यान भी नहीं जाएगा। दिस इज एक्साइटिंग। सो सॉरी, थोड़ी लंबी बात हो गई। कोई खास बात? मेरे साथ आओगी? हम अभी आते हैं। हाँ, सब गेम खेलना बंद करो। तुम आखिर ये सब क्यों कर रही हो? मुझे फर्क नहीं पड़ता फैब्रिया कॉन्ट्रैक्ट से। लेकिन मिस्टर जान, सनम, मुझे बिजनेस की परवाह नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम वही करो जो करने का तुम्हारा दिल करता है। चाहो तो मेरे साथ रह सकती हो। तो रुकूंगी, आप कहोगे तो चली जाऊंगी। के लिए हमें यह नहीं करना चाहिए। ठीक है, जैसा आप चाहे। परेशान होकर अकेले क्यों बैठी हो? नहीं तो, मैं ठीक हूं। अनाने, जाओ जाकर उससे बात करो। नहीं, बात नहीं कर सकती मैं। अनाने, कसम मेरी बहन, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूं, समझ गई? तुम्हारी आंखें सब बयां करती हैं। उस्मान, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। तुम बस जाओ और बता दो कि तुम एंगेज नहीं हो। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, फिर वो मुझसे नफरत करने लगेंगे। तो करने दो ना, तुम कोई उम्मीद तो नहीं रखोगी? मुझे कोई उम्मीद नहीं है, उनकी गर्लफ्रेंड है। ये सब भूल जाओ सनम, उसके पास जाओ, उसकी आंखों में देखकर कह दो कि प्यार करती हो, बाकी वो देख लेगा। देखो, अगर बहुत देर होगी तो तुम पछताओगी। ऐसे प्यार करती रहोगी और उसे पता भी नहीं चलेगा, प्यार अधूरा रह जाएगा।
और बस दिले दिल रोते रहेंगे। हम मेरी बात कर रहे हैं। तुम सही कह रहे हो, बात क्लियर होनी चाहिए। ये हुई ना बात, बात करोगी ना? तुम भी जाओ ना उसके पास। नहीं नहीं, मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, जाने दो, फिर कभी। तुम हो तो हिम्मत आ रही है मुझे, सब कुछ बता दूंगी। मिस्टर जान कहाँ है? लेकिन अभी तो यही थे, कहाँ चले गए पता नहीं। तुम अभी बात करने वाली हो उससे? बिल्कुल, मैं उसे अभी बात करने वाली हूँ, आगे चाहे जो भी हो जाए। क्या बात है, ये हुई ना सनम वाली बात, मैं जानता था। मैं उनको बता दूंगी, सब कुछ बता दूंगी। मैं बता दूंगी कि मैं उनसे प्यार करती हूँ, और अगर फिर मुझे उन्होंने काम से निकाल दिया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वेरी गुड, यही तो मैं सुनना चाहता था। सनम, जबरदस्त अयान, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? उस्मान, मेरे भाई तुम। बताओ, मुझे दिख रहा है कि तुम्हारी उंगली में रिंग है, तुम्हारी उंगली में भी रिंग है। अरे बाप रे, इतनी महंगी डायमंड वाली रिंग है तुम्हारे हाथों में, मतलब तुम दोनों की पक्का एंगेजमेंट हो गई। उस्मान, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मेरे भाई। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किसको दर्द सुनाऊं। चलो जल्दी चलो। Hem bendeki seni böyle olsun istemezdim. Ben malumum ama sen de kaybettin. Ben hayatı sen de beni. मैंने क्या सोचा था, तुम क्या निकले? सोचा था कि तुम भाई हो, लेकिन तुम तो भाई के नाम पे धब्बा निकले। धब्बा क्या, अब्बा डब्बा चप्पा निकले। नहीं भूलूंगा मैं जब तक है जान। हाँ, देखना जरूरी। गाना बदले दो, मेरा हाले दिल बया कर रहा है वो। Gece gündüz kanarım, göz göre göre yandı yıllarım. Gönlümde açan gonca gül olmadan kırıldı. Seninle sevin bu yorgun yıllarım. तुम गलत समझ रहे हो, हमारे पीछे सब कुछ भी नहीं है। तुम लोग बताओ ना ऐसे कुछ यार। ये लोग क्या बताएंगे, मैंने खुद देखा है, अपनी बड़ी बड़ी बटाटे जैसी आंखों से देखा है मैंने खुद। मैं सनम से शादी करना चाहता था, घर पे रिश्ता लेकर गया तो बोले कि सोचेंगे। उसके बाद तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख बीतते गई, लेकिन जवाब नहीं आया मिलर्ड, और फिर मेरे सामने आया उस्मान। मुझे तुमसे शादी कभी नहीं करनी थी। अब देखो, तुम्हारी नसीब में सिर्फ और सिर्फ मैं ही लिखा हूँ, और कोई नहीं है। हा? मेरी नस नस में, रग रग में सिर्फ तुम ही तुम हो। बोलो कौन है? सिर्फ और सिर्फ सनम है, और कोई हो भी नहीं सकता। इस हादसे को भूल नहीं पा रहा है बेचारा। मैं थक गई हूँ, बंद करो इसे अब। चुप रहो तुम। बंद मत करो प्लीज। बस करो, बहुत हो गया तुम्हारा। मुझे जाना होगा, थोड़ा काम है। आ जाओ, भाग जाओ, हमेशा ऐसे मुझे छोड़कर भाग जाती हो तुम। लेकिन मैं भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला, दूध का ग्लास पूरा पी डाला। हेलो। हेलो, क्या मिस्टर जान उनके रूम में है? मिस्टर जान, जान डेविड,
जॉन डेविड तो घर के लिए निकल गए मैं। लेकिन कब? एक घंटे पहले। ठीक है, थैंक यू। मिस्टर एमरी, क्या मैं मेरी बहन के साथ घर जा सकती हूँ? मुझे जाना होगा। जाओ, मगर काम हो जाना चाहिए। हो जाएगा, सी यू। सारा काम हो जाना चाहिए। लैला, सुनो, सनीम कहाँ थी तुम? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। सुनो, हम वापस जा रहे हैं। क्यों, अचानक क्या हो गया? वो मैंने मिस्टर एमरी से पूछा, उन्होंने कहा हम जा सकते हैं, आप मुझे रास्ते में छोड़ दीजिए, फिर मैं चली जाऊंगी। जबरदस्त भी तो ठीक नहीं है। सनीम, अब तुम क्या करने जा रही हो? लैला, चलो। Have a nice day. Welcome, ma'am.